जब तक मेरा कोई इन लोग समाधान नहीं करते, मेरा कोई भी निर्णय नहीं लेते, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं परमिशन रोज लेता रहूंगा, रोज बैठा रहूंगा। आज जंतर मंतर पे आप आए हैं, कहाँ से आए? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कहाँ से आए। मेरा नाम है विद्याधर वासुदेव भास्कर है, रहने वाला गांव है मेरा टेम्बोरनी, तहसील है माड़ा, जिला है सोलापुर। मैं मेरी जमीन 1965 में गट नंबर 863/1 ये शासन ने एक्वायर किया, तो उसमें कोई भी कॉलोनी वाली कुछ बनाने, 90% मेरी जमीन खाली है पड़ी, और जो भी बना है उसमें भी कोई दूसरे कोई रहता है, आम जनता कोई रहती है और भाड़ा कोई दूसरा खाता है। अभी उसका काम तो पूरा हो चुका है, फिर भी हमें जमीन तो वापस नहीं मिल रही है, ना जमीन दिया है, ना कोई मुआवजा दिया है, ना उसके बदले में कोई प्रयोजन, कोई मतलब में कोई भी चीज़ का अनुदान वगैरह कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं, कोई सुविधा दी नहीं। 1965 में? हाँ, 1965 उम्र रही होगी तब आपकी? तब तक मेरा जन्म है 54 का। 54? हाँ, मैं 5वीं कक्षा में था। तो आपके पिता की जमीन? हाँ, सब पिता की, माता जी ने जमीन थी, माता ने खरीदी थी। आपकी उससे जो भी कोई और खा रहा नहीं, शासन ने जो जमीन एक्वायर किया, शासन ने उसमें ऊपर कॉलोनी बनाई, तो कॉलोनी में हाल में कोई शासकीय कर्मचारी रहता नहीं है, रहता कोई और है, और उसका भाड़ा भी कोई खाता दूसरा है, शासन कोई भाड़ा लेती नहीं है। जाता है दूसरे के पास, वो आपके पास नहीं आता है? हमारे पास कैसे आएगा, वो तो शासन का है ना, शासन के, शासन ने बनाया कॉलोनी, तो शासन। तो जब आपकी जमीन थी तो शासन ने कोई मुआवजा दिया नहीं था? नहीं, मुआवजा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे ही ले ली जबरदस्ती? ऐसे ही ले लिया, कोई नोटिस भी नहीं निकाला है, नोटिस भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने क्लेम किया हो कि हमारी जमीन थी? अच्छा, कैसा कोई क्लेम किया? तो ऐसे तो मुआवजा तो देते, हमारा खरीदी पत्र सब कुछ हमारे पास में कागज है, 2007 पूरी कागज है। हाँ, पूरी कागजात है। और आप क्लेम कर रहे हो कि आप ओनर थे उस जमीन का? हाँ, है ना, हमारे पास में पूरा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में गए आप? कोर्ट में तो 2007 में हमारे पक्ष में निकाल लगा था। अच्छा, आपके पक्ष में आ गए? हाई कोर्ट बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया, उनको बोले कि जमीन हमको दे दिया जाए। अच्छा, ये आदेश था उनका। हाँ। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर लगाया। अच्छा। अब टूटा फूटा गोडाउन तो था ही। हाँ। अब उसमें से भाई लोगों ने एक नोटिस तो दे दिया था। हाँ। अब उन लोग कुछ खाली नहीं किया था, इन लोग कुछ खाली कर दिए, मतलब चद्दर बद्दर ऊपर के सीमेंट के पत्रे के टूटे हुए थे वो निकाल दिए। अब निकालने गए थे, इन लोगों ने स्टे ऑर्डर लाए। अब स्टे ऑर्डर लाए तो उसके बाद में क्या हुआ करके सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, तो कोर्ट ने कुछ, ये मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर ये बताया गया मुझे कि कोर्ट ने ये बोला है कि भाई मुआवजा हम दिला सकते हैं। तो मुआवजा लेने को तैयार हुआ? तो मुआवजा लेने को तैयार हूँ, मगर आज के रेट में मिलना चाहिए ना रे मुआवजा। वो बोले कि 1965 के साल के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये देने के लिए बोल रहा है, कम से कम हम नहीं बोले तो हमारा जीवन नहीं सकता, वो तो आज की डेट में मुआवजा मिलेगा। आज के रेट में ही मिलना चाहिए, हम ऑर्डर तो कर नहीं सकता। क्या लगता है आपको, सही तरीके से आपकी बात नहीं रखी गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं रखा है, मैं क्वेश्चन किया था, देखिए ये 15 दिन का किया था, एक लेटर दे करके जमीन के कितने दे रहे हैं? 12,000? 12,000 रुपए? 12,000? हाँ। तो क्या लगता है कि उनको उनके 12,000 उनके मुंह पे नहीं मारा जाना चाहिए, जजों के मुंह पे? अरे मारा क्या जाना चाहिए, हम तो ये समझ, इनको ये सीधी कहना चाह रहे हैं कि मरो या तो मारो। कोई ऑर्डर है कोर्ट का आपके पास 12,000 का? नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने यही बताया। किसने बताया? मतलब मैं जाऊँ वो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत बता दिया गया हो आपको? गलत बता दिया हो, जैसा भी बता दिया उन्होंने। आप बता नहीं गए कोर्ट में? हम नहीं गए आपको? कोर्ट में नहीं गया था मैं। कौन गया था कोर्ट में? कोर्ट में तो केस जो चल रहा था वहाँ से तो जो निकाला हुआ, मैं ऑपोजिशन में बैठा था, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में गया था। अच्छा। तो कलेक्टर ने मुझे, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है? नहीं, कलेक्टर ने लेटर दिया था कि इनका, बोला कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। कौन सा? 12,000? 12,000 का कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया, ऐसा नहीं बोला किसी ने, हमको ये बताया गया है कि 1900 वही जो जिन्होंने एक्वायर किया जमीन, ये पाट झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ, पाट बंदर विवाह खाते ने उसने बताया कि भाई तुम्हारा मतलब उस समय का मुआवजा जो है नहीं, तो ये तो झूठ भी बोला जा सकता है। हाँ, तो झूठ बोले, जो भी कुछ बोले हैं, जैसा भी बोले, खुद क्यों नहीं जाते कोर्ट में? जाने का मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्या चाहते हैं हम? चाहते कि तात्कालिक निर्णय दे। अच्छा, तुरंत ऑन द स्पॉट। आपके बच्चे कुछ है परिवार में? हाँ, सब है। सब है? हाँ, सब है, मगर सब बिखर गए।
हाँ पढ़े लिखे हैं। आपकी तो उम्र चली गई लड़ते 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 सब चली गई, फैमिली भी सब बिखर गई, कुछ भी हमारे पास कुछ है नहीं तो कौन रहेगा, पूरा लूट लिया सब खत्म ही हो गया। क्या चाहते हैं, कहाँ देंगे ज्ञापन? आज तो ध्यान देना चाहिए, आप समझदार है, हम तो कायदा कानून जानते नहीं, कायदा कानून जो जानते हैं। तो आप कहीं आज सरकार को कुछ बोलेंगे, किसको बोलेंगे, प्रधानमंत्री को बोलेंगे? प्रधानमंत्री को बोलेंगे, जो भी है तो प्रधानमंत्री को भी दो नोटिस दे चुका हूँ, एक स्वयं में आकर के दिया, ये उसके पुरावे हैं मेरे पास। तो आप अब कब्जा चाहते हो अपनी जमीन? हाँ, मेरी जमीन पे या तो पूरी जमीन दे दिया जाए या नहीं देते हो, तुम्हें जरूरत है तो रखो जमीन, हमको आज के रेट के हिसाब से, मार्केट के रेट के हिसाब से मुआवजा दे, और मुझे रहने के लिए और काम धंधा करने के लिए। इनका केस लड़ते लड़ते मेरे पास में जो रहने की जमीन थी एक गुंडा तो भी बिक गई, अब मैं तो भूमिहीन हूँ, तो मुझे रहने के लिए धंधा करने के लिए 5 घंटा वही जमीन उसमें से हाईवे लगत मिल जाए, थोड़ा सा आपको जगह मिल जाए, हाँ, आप 5 घंटा इतना जमीन, बस इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है मेरे को। और ये जब तक मैं कुछ अभी कहीं कोर्ट में नहीं जाऊँ, कुछ भी नहीं, जो भी कुछ करेंगे आप लोग करेंगे यार, अब जो भी देंगे रिजल्ट लेके मैं जाऊँगा और मेरा काम तुरंत हो जाना चाहिए, या तो शासन मेरी उम्र बता कर दे दे या समय लौटा दे आप, हाँ तो मैं करूँ फिर से लड़ू। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं किस कोई भी केस लड़ूंगा नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है ना मेरे पास में इतनी उम्र, अब जो भी कुछ करेगा शासन करेगा, मैं आखिरी दरवाजे पे आया हूँ, अभी इनको जो भी कुछ करना है फैसला मेरा ऑन द स्पॉट होना चाहिए, तुरंत ही ये मेरा मतलब में ये रहने को जगह मिले और मुआवजा मिले। अब मैं किसी के कोई भी केस लड़ूंगा नहीं, क्योंकि केस के लिए मेरी या तो आयु इतनी बढ़ा दे या तो फिर केस तात्कालिक मतलब फैसला दे दे। आप यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगी? पर प्रधानमंत्री से यही गुहार है कि मेरा कि ये जो कोर्ट का जो सिस्टम है ये हमें मान्य है ही नहीं है, क्योंकि 3 पीढ़ी तो खत्म हो गई और केस तक न्याय नहीं दे पा रहे, भरोसा नहीं है, भरोसा तो बिल्कुल खत्म हो चुका, अब तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है प्रधानमंत्री में भरोसा हो, आपको उम्मीद है कि वहां से मिल जाए? आज उम्मीद है, आखिरी उम्मीद यही है कि देश अपना है और प्रधानमंत्री है तो जो कुछ करेंगे तो वो करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो फिर तो जो है वो है, ऐसे तो मरे तो है ही है, फिर क्या करेंगे।